गोविंदा की भांजी और नव्या सीरियल की एक्ट्रेस सौम्या सेठ ने दूसरी शादी रचा ली है। एक बेटे की मां सौम्या ने अपने बॉयफ्रेंड शुभम के साथ सात फेरे ले लिए हैं। पिछले ही दिनों हमने आपको बताया था कि सौम्या शुभम को डेट कर रही हैं, लेकिन अब सौम्या ने शुभम के साथ अमेरिका में शादी कर ली है। दोनों की ये शादी काफी प्राइवेट थी। इनकी शादी में केवल उनके परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। सौम्या ने खुद अपनी दूसरी शादी का खुलासा किया है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए मैंने मम्मी पापा से कहा कि आपके पास बस एक दिन है, जो करना चाहते हो कर लो। इस शादी में कोई मेहमान नहीं था, सिर्फ जो करीबी लोग हैं वो ही शादी में शामिल हुए। शुभम के साथ सौम्या की ये दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने साल 2017 में एक एनआरआई और यूके बेस्ड फिल्म मेकर अरुण कपूर से शादी की थी, लेकिन साल 2019 में दोनों का तलाक हो गया। इस शादी से सौम्या को बहुत दर्द मिला था। पति की वजह से सौम्या ने अपना करियर तक छोड़ दिया था और यूके जाकर बस गई। सौम्या ने इशारों में बताया था कि पति ने उनका शोषण किया है। सौम्या ने बताया था कि उन्हें खुद को मारने के ख्याल आते थे, वो काफी डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला। सौम्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे जब वो कई दिनों तक भूखे रहने के बाद शीशे के सामने खड़ी हुई तो वो खुद को पहचान तक नहीं पा रही थी, लेकिन अब सौम्या ने हिम्मत करके दोबारा अपना घर बसा लिया है। सौम्या के दूसरे पति शुभम चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। शुभम के पापा डॉक्टर हैं। शुभम वॉशिंगटन डीसी में काम करते हैं। इसके साथ ही वो आर्किटेक्ट भी हैं। खबरों की माने तो शुभम और सौम्या की मुलाकात साल 2019 में उस दौरान हुई जब वो अपने बच्चे के रहने के लिए बड़ी जगह ढूंढ रही थी। इंटरव्यू में सौम्या ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने एक बड़े अपार्टमेंट में एक कमरा रेंट पर लिया था और वहीं मैं शुभम से मिली। हाउसमेट से हम दोस्त बने और फिर हमारे बीच क्लोजनेस बढ़ती गई। शुभम सौम्या के बेटे से बहुत प्यार करते हैं। सौम्या ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की थी, लेकिन उन्हें पहचान टीवी सीरियल से मिली। नव्या सीरियल ने सौम्या को घर घर में मशहूर कर दिया। वो ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिल की नजर से खूबसूरत, ये है आशिकी और चक्रवर्ती अशोक सम्राट जैसे सीरियल्स में नजर आई, लेकिन साल 2017 में उन्होंने शादी रचा ली और अपना करियर छोड़कर चली गई। फिलहाल इतना दुख झेलने के बाद एक बार फिर सौम्या की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी है। हमारी तरफ से सौम्या को नई जिंदगी के लिए बहुत बहुत बधाई।